हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विदिशा सीनियर किचन में। आज हम बनाएंगे आलू और मूली की सब्ज़ी मसाले वाली, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। इसे आप दाल चावल के साथ या रोटी पराठे के साथ सर्व कर सकती हैं। हमारी वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। तो चलिए बनाते हैं आलू मूली की मसाले वाली सब्ज़ी। आज हम बनाएंगे मूली आलू की सब्जी मसालेदार। तो देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो उसके लिए हमने 300 ग्राम मूली लिया है, इसे इस तरह से काट लिया है। आप जैसा चाहे वैसा से दे सकती हैं, काट सकती हैं। और दो तीन पत्ता हमने जो कोमल था उसको लेकर इसको बारीक काट लिया है। और दो मीडियम साइज के आलू इस तरह से काट लिया है। और दो प्याज, इसे भी हमने बारीक काट लिया है। इसमें से दो तीन हरी मिर्च हम लेंगे, ऐसे ही डालेंगे खड़ा, देखने में अच्छा लगता है। थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती है। और दो टमाटर लिया है हमने मीडियम साइज का, उसे भी हमने इस तरह से काट लिया है बारीक। और मसाले के लिए हमने लिया है एक प्याज, चार कली लहसुन और 6 से 8 कलियाँ गोल मिर्च का है, और 3 से 4 सूखी मिर्च है। और तड़के के लिए लिया है हमने, इसका हम पेस्ट बनाएंगे मिक्सर में, फाइन पेस्ट बना लेंगे। और 1/2 टीस्पून जीरा, 2 से 3 तेज़पत्ता, 2 सूखी मिर्च, थोड़ी सी हींग लेंगे एक चुटकी, और हल्दी पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। तो चलिए इसे हम पेस्ट पहले बना लेते हैं, उसके बाद हम सब्ज़ी बनाएंगे। तो देखिए हमने इसका पेस्ट बना लिया है, अच्छा फाइन पेस्ट बना लिया है। और सरसों का ऑयल यूज करेंगे सब्जी बनाने के लिए। तो हमने गैस जला दिया है और इस पर कढ़ाई रख दिया है। कढ़ाई हमारा गर्म हो गया, इसमें हम तेल डाल देते हैं। थोड़ा तेल पड़ेगा इसमें, सरसों का ऑयल ही ले, ज़्यादा वेस्ट होता है। तो हमने 4 चम्मच तेल डाल दिया है इसमें सरसों का। अब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा, उसके बाद इसमें हम तड़का लगाएंगे। तो चलिए हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें हम तड़का लगाते हैं। 2 सूखी मिर्च, तेजपत्ता, जीरा, थोड़ा सा इसको हम चला लेते हैं। देखिए हमारा जीरा चटकने लगा है। अब इसमें हम हींग डाल देते हैं एक चुटकी। इसे भी थोड़ा हिला लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे कटा हुआ प्याज, इसको हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, उसके बाद इसमें बाकी मसाला डालेंगे। तो देखिए हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम जो पेस्ट बनाए थे वो डाल देते हैं। इसको मिला लेते हैं अच्छे से। बड़े चम्मच से 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा उबाल, चार हरी मिर्च हमने इसमें डाला है। आपका इच्छा हो तो डालिए या मत डालिए, कोई बात नहीं है। तीखा अपने हिसाब से
कोई भी यूज करता है, जिसको जितना तीखा अच्छा लगे। स्वाद अनुसार नमक, इसको मिला लेते हैं। अब डाल देते हैं टमाटर कटा हुआ। अब इसको हम ढक कर 5 मिनट इसे भून लेंगे। हाई फ्लेम को हाई ही रखा है। तो चलिए देख लेते हैं, 5 मिनट हो गया हमने चलाते हुए। अब इसमें हम डाल लेते हैं मूली और आलू और थोड़ा सा जो पत्ता हमने काट के बारीक रखा था वो भी। अब इसे हम ढककर 5 मिनट और इसे भूनेंगे, भून लेंगे। उसके बाद इसमें हम पानी डालेंगे। थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती हमने डाल दी है। फ्लेम को हमने अभी हाई ही रखा है क्योंकि चलाते हुए इसे 5 मिनट। चलिए देख लेते हैं, 5 मिनट हो गया है इसे भूनते हुए। सब्जी अच्छे से भुना गया है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो इस गिलास से हमने अभी 1 गिलास पानी इसमें ऐड किया है। देख लेते हैं, आधा गिलास और डाल देते हैं। तो हमने इसमें 1.5 गिलास पानी इस गिलास से ऐड किया है। अब इसे हम अच्छे से पकने तक इसे चलाते हुए देखते हुए जो जले नहीं इसको पका लेते हैं। फ्लेम को अभी मीडियम कर देंगे, थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो चलिए देख लेते हैं, इसे पकाते हुए 15 से 20 मिनट लगे। देखिए आलू और मूली सॉफ्ट हो गए हैं, बहुत अच्छे से पक गए हैं। देखिए आलू भी हमारा पक गया है। तो आपको अगर ग्रेवी रखना है तो थोड़ा सा और पानी ऐड कर लीजिए। इस तरह से अगर रखना है तो इतना पानी ठीक है। तो हमारा सब्जी तैयार हो गया है। आपको हमारी रेसिपी अगर अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं हम एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। टेक केयर।